नमस्ते, मेरा नाम है उदय सबनिस। ये जो कोरोना महामारी का जो काल है, उसमें जिन जिन लोगों ने अपने समाज की, हम सब की सहायता की है, उनमें हमारे सेंट्रल रेलवे के जो कर्मचारी हैं, उनकी भूमिका बहुत अहम है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने मालगाड़ियाँ चलाई हैं, हमारे मुंबई जैसे शहर में लोकल ट्रेनें चलाई हैं, कई लोगों को उन्होंने अपने घर पहुंचाया है, कई लोगों को अपने गांव से अपने काम के स्थल पर पहुंचाया है। ये जो जीवनावश्यक चीज़ें जो हमें मिल रही हैं, वो सब उनके बदौलत मिल रही हैं। तो इसलिए मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं, उनके आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और अपनी जान धोखे में डाल के, जैसे कि अपने डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पुलिस, सब के साथ बहुत महत्वपूर्ण काम हमारे सेंट्रल रेलवे के कर्मचारियों ने किया है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन जो है, वो रेलवे के बिना तो पूर्ण हो ही नहीं सकता। जैसे कि हमारी मुंबई की रेलवे जब बंद हो जाती है, लोकल ट्रेनें जब बंद हो जाती है, तब ऐसा लगता है कि अपनी सांस ही बंद हो गई है, हमें कहीं से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो उनको भी सलाम है, और उनके जो घर वाले हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, जिन्होंने इन लोगों को, इन योद्धाओं को अपनी रणभूमि पर जाने दिया, उनका हौसला बुलंद किया, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया, उन सबको भी मैं सलाम करना चाहता हूं। ये आसान नहीं है दोस्तों। तो मैं ये चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये कोरोना है वो हमारे यहां से निकल जाए, बस बहुत हो गया, और हमारी ये सारी सेवाएं वापस शुरू हो जाए, हमारे सारे शहर, हमारा राज्य, हमारा देश, ये पूरा विश्व, ये पूरे तरीके से आरंभ हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और उसमें भी हमारे सेंट्रल रेलवे के सभी कर्मचारी, चाहे वो ऑफिस बेयरर्स हो, चाहे टेक्नीशियंस हो, मोटरमैन गार्ड तो हैं ही, सिक्योरिटी स्टाफ हो, उनका क्लेरिकल स्टाफ हो, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो, उन सबको मैं तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूँ। और ये चाहता हूँ कि भगवान आप सबको बड़ी लंबी उम्र दें, और आपकी ये सेवा निरंतर हमारे शहर की ऑक्सीजन की सप्लाई को ऐसे ही बरकरार रखें। धन्यवाद।